सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मारुति सुजुकी न्यू बलेनो 2019 मॉडल हाल ही में 3 दिन पहले लॉन्च हो चुका है, उसकी प्राइस भी रिवील हो चुका है। हालांकि गाड़ी में क्या कुछ है नया तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है नया न्यू बलेनो या बलेनो फेसलिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू बलेनो 2019 या बोले बलेनो फेस लिफ्ट जो कि 28 जनवरी को लॉन्च हो चुका है। हालांकि गाड़ी की ये एक फेस लिफ्ट मॉडल है, हालांकि इसमें कुछ ही सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया है, कुछ ऐसे मेजर चेंजेस या कोई नए जनरेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फेस लिफ्ट है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस्मेटिक चेंजेस ही मिलेगा, यानी कुछ नए फीचर्स, कुछ नया एक्सटीरियर की चेंजेस, इंटीरियर की चेंजेस ही दिया गया है। हालांकि डिटेल्स में जान लेते हैं क्या क्या चेंजेस दिया गया है। फ्रंट साइड में देखें तो फ्रंट साइड में काफी कुछ चेंजेस यहां पे आपको मिलता है, जैसे कि फ्रंट ग्रिल आपके पूरी चेंज हो गया है, पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। सीधे सीधे देखा जाए यहां पे जो बम्पर चेंज कर दिया गया है पूरी की पूरी, जो कि इसके लुक्स को काफी स्पोर्टी बना देती है, काफी नया लुक मिल गया है बलेनो को। ये पूरा स्पोर्टी बम्पर दे दिया गया है जो कि काफी बेहतरीन लग रहा है। हालांकि ये एक फेसलिफ्ट मॉडल है, इसलिए इसमें कुछ आपको डायमेंशंस में कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, यानी कि पहले जितना आपको हाइट, विड्थ, लेंथ जितना भी मिलता था अभी सिर्फ और सिर्फ उतना ही मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटीरियर कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया है। आप चाहे तो पुराने बलेनो पे भी ये अपना बम्पर नया वाला भी लगवा सकते हैं। अगर बात करें इसकी व्हील्स की, तो पहले इसमें आपको सिंपल दिखने वाला व्हील्स आता था, हालांकि वो भी काफ़ी स्पोर्टी दिखता था, लेकिन यहाँ पे अब जो नया व्हील्स दे दिया गया है, डायमंड कट एलो व्हील्स दे दिया गया है, ये काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है और ये 16 इंच व्हील है, काफ़ी बेहतरीन दिख भी रहा है गाड़ी को। उसके साथ साथ गाड़ी की इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर पे पहले ब्लैक फिनिशिंग आता था, ब्लैक ग्रे जैसा थोड़ा लगता था, और ये नया जो ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन आया है ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हालांकि इंटीरियर पे उतना कुछ चेंजेस नहीं है, फिर भी थोड़े थोड़े जगहों पे फिनिशिंग यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि ये ब्लू फिनिशिंग आपको विंडोज़ पे, विंडोज़ के बार में भी आपको मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन लगने लगा है। उसके साथ साथ कुछ कुछ नए नए फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है, हालांकि पहले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलता था। और अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प की बात करें, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प पहले सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरियंट पर मिलता था, लेकिन अभी आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प डेल्टा वेरिएंट से भी मिलना शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ एलईडी डीआरएल्स भी मिलता है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में काफ़ी बेहतरीन दिखने वाला डॉट डॉट दिखने वाला डीआरएल्स मिलता है, और बेस वेरिएंट से नॉर्मल डीआरएल भी आपको मिल जाता है, जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। अगर बात करें इसकी इंटीरियर की, तो इंटीरियर पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पर भी कुछ कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे कि 2D इलेक्ट्रॉनिक आपको टच स्टीरियो मिल जाता है, जो कि आपको पहले बटन वाला था, लेकिन यहाँ पर टच एक्सपीरियंस जोड़ा जो कि आपको मिलता है मारुति सुजुकी अर्टिगा में, तो उस जैसा यहाँ पे भी फील आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगने लगा है और काफ़ी अच्छा भी है। अगर बात करें इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो वही वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है, लेकिन काफ़ी अपीलिंग, काफ़ी नया ये लगने लगा है। अगर बात करें इसकी और कोई फीचर के बारे में, जैसे कि यूवी प्रोटेक्शन वाला आपको विंडो ग्लासेस जो मिलता था पहले, ये आपको जेटा वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट में मिल जाता था, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फा वेरिएंट में ही मिलेगा। हालांकि ये एक नेगेटिव पॉइंट है बोल सकते, जो कि एक ही वेरिएंट में ये सिर्फ मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स की, तो ये आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है, यानी कि आपको सभी मॉडल में, यानी बेस वेरियंट से भी आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलने लगेगा, जो कि पहले मॉडल में, यानी कि पिछले बलेनों पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वेरियंट से ही मिलना शुरू होता था। ये काफ़ी नई चीज़ें हैं, ये जितने सारे फीचर भी है ये काफ़ी अच्छे भी है और काफ़ी प्रीमियम बना देती है। हालांकि ये इस सेगमेंट की प्रीमियम हैचबैक है, तो देखा जाए गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि इसमें प्राइस में भी थोड़े थोड़े चेंजेस किया गया है, जैसे कि पेट्रोल के इसकी प्राइस रेंज शुरू होता है 5.54 लाख से और ये जाता है 8.86 लाख तक।
एक्सरूम डेली के प्राइसेस के हिसाब से, और डीजल में ये 6.69 लाख से शुरू होता है, 8.7 लाख से जाती है एक्सरूम डेली के प्राइसेस के हिसाब से। और बलेनो आरएस भी है जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट फीचर्स के साथ और 1 लीटर टर्बोजेट इंजन के साथ जो आता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी पावरफुल है, और इसकी प्राइस रेंज 8.76 लाख से शुरू हो जाती है। ये था नए बलेनो में कुछ नया नया चीज़ें, हालांकि पुराने और नए बलेनो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस है, उतना बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बलेनो तो सबके फेवरेट है ही, सबसे ज़्यादा सेल्स भी यही लेता है। आपको क्या लगता है ये नए चेंजेस के बारे में, आपको क्या अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बे सेफ, बाय बाय।